हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज मैं लाया हूं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिला है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है ना। तो कह रहा है ये एक्स एक्सिस उस दिया हुआ लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको निकालना है। इसका सेकेंड पार्ट कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो एक्स एक्सिस है उस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। क्लियर? तो हम एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करते हैं। ये देखिए लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, यहाँ दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1-5, 1-5, एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 and 5, राइट? अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर यह एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करता है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0, और एक्स तो रहेगा ही रहेगा। यानी जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो तब किस कंडीशन में, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या है, 1 x1 है और ये क्या है, y1 है। ये देखिए x2 है और ये क्या है, y2 है। हमें निकालना क्या है, रेशियो। मान लेते हैं कि यह एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। मैं आपको क्या बताया हूँ, अगर रेशियो निकालना हो तो दोनों में देखिए किसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। x तो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर 0 किस कोऑर्डिनेट में आता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, x ये है y, ये 0 होता तो सेक्शन फार्मूला के x पार्ट को हम देखते। क्लियर? अब यहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर ये पार्ट 0 है, यानी y पार्ट क्या है, 0 है। y इक्वल टू इसका फार्मूला होता है के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन इम्प्लाइज, और y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 इक्वल टू k, तो हमें निकालना है। y2 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, प्लस y1 का वैल्यू -5 दिया हुआ है, और डिवाइड बाय के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 0 × k + 1 इक्वल टू के को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 के आएगा, और प्लस माइनस 5, और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, इक्वल टू 5k - 5। सो 5k - 5 इक्वल टू 0, सो 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि -5 को राइट साइड ले जाइएगा तो 0 + 5 = 5, सो k का वैल्यू कितना निकल गया, 1। सो लाइन सेगमेंट, ये जो एक्स एक्सिस है इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, तो लिखना पड़ेगा ना। सो देयरफॉर एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, और ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ, अगर k का वैल्यू निगेटिव हो तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी बाहर से डिवाइड करेगा, और k का वैल्यू पॉजिटिव हो तो अंदर से डिवाइड करेगा, राइट? सो एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इंटरनली नली इन द रेशियो रेशियो k रेशियो 1, दैट इज k का वैल्यू क्या है, 1, तो 1:1। अब इसका सेकेंड पार्ट क्यों मैं चलता हूँ, मांग रहा है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, इसका कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो x का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तो c का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा, इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड पार्ट की ओर। x के वैल्यू निकालने के लिए फिर सेक्शन फार्मूला का हम यूज करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, kx2 + x1 और डिवाइड बाय k + 1 इक्वल टू, फ्रेंड k का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, k का वैल्यू कितना आया, 1 आया है, तो k के प्लस पर रखेंगे 1 × x2 इक्वल टू दिया हुआ है -4 + x1 का वैल्यू 1
डिवाइड बाय के का वैल्यू 1 और प्लस 1, चूँकि के का वैल्यू मैं 1 निकाल चुका हूँ। सो 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 तो माइनस 4 और प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा माइनस 3, माइनस 3 डिवाइड बाय 2 यानी माइनस 3 बाय 2 यानी एक्स का वैल्यू निकल गया माइनस 3 बाय 2। हमें निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, सी का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ये निकल जाएगा कितना, यहाँ एक्स 0 दिया हुआ है ना, सो एक्स का वैल्यू है माइनस 3 बाय 2 एंड 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकल गया कितना, माइनस 3 बाय 2 एंड 0। अब मैं चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स 5 माइनस 6 एंड माइनस 1 माइनस 4 को ज्वाइन करने से बना है और इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिया था एक्स एक्सिस डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट को और सेकेंड क्वेश्चन में वाई एक्सिस डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट पहले आप ले लीजिए, ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम दीजिए ए, इसका कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ 5 एंड माइनस 6 और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है माइनस 1 एंड माइनस 4, क्लियर। और इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड करता है, y एक्सिस डिवाइड करता है, ये मान लेते हैं y एक्सिस है। और जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 होगा एंड y रहेगा, यानी जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 और जब x एक्सिस डिवाइड करता है तो y कोऑर्डिनेट 0, समझ गए ना। ये देखिए x के प्लेस पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम सेक्शन फार्मूला में x का जो वैल्यू है उसका हम यूटिलाइज करेंगे। और आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला से x इक्वल टू क्या होता है, के एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाय के प्लस वन, और ये मान के चलते हैं कि यह वाई एक्सिस ए लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तभी तो यह फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स वन है और ये वाई वन है, यह एक्स टू है और ये क्या है, ये वाई टू है, और यह एक्स के ये क्या है, x x के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 0। सो इम्प्लाइज x के प्लेस पर क्या है, 0, यहाँ पर रख देता हूँ 0। k तो हमें निकालना है, x2 के प्लेस पर देखिए क्या है माइनस 1 प्लस x1 के प्लेस पर 5 और डिवाइड बाय k प्लस 1, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 0 को जब k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0, यानी k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, राइट। इक्वल टू k को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस k आएगा और प्लस 5। सो फ्रेंड इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस k इक्वल टू प्लस 5 को राइट साइड ले जाइएगा तो क्या होगा, 0 और माइनस 5 अन इम्प्लाइज माइनस k इक्वल टू 0 में 5 को माइनस कीजिएगा तो आएगा माइनस 5 और ये माइनस माइनस कैंसिल, सो k का वैल्यू निकल गया 5। सो y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 5:1 में डिवाइड करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली, इंटरनली डिवाइड करता है, अगर माइनस आता तो एक्सटर्नली डिवाइड करता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो के रेशियो 1, यही ना, इस रेशियो में डिवाइड करता है के रेशियो 1 में और यहाँ के प्लेस पर क्या है 5 है, सो 5:1। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इसके पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी निकलेगा ना, यह वैल्यू तो दिया हुआ है लेकिन वाई तो अननोन है, तो वाई का वैल्यू अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा। तो सेकेंड पार्ट देखिए, अब वाई का फार्मूला लगा देंगे, सिंस आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला से वाई इक्वल टू क्या होता है, के वाई टू प्लस वाई वन और डिवाइड बाय के प्लस वन। बट फ्रेंड यहाँ पर के का वैल्यू क्या मैं निकाला हूँ, 5 निकाला हूँ, के का वैल्यू यहाँ पर 5 शिफ्ट कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई एंड वैल्यू ऑफ वाई टू, यहाँ दिया हुआ वैल्यू ऑफ वाई टू माइनस 4 प्लस एंड वैल्यू ऑफ वाई वन, वैल्यू ऑफ वाई वन दिया हुआ है माइनस 6, तो माइनस 6
और डिवाइड बाय के का वैल्यू 5, 5 + 1, 5 × −4 − 20 ± −6 और डिवाइड बाय 5 + 1 = 6। तो −20 − 6 कितना हो जाएगा, −26 और डिवाइड बाय 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो −13 अब बाय 3 जाएगा ये, तो y का वैल्यू निकल गया। सो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल गया। सो देयर फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या है, 0y ना, 0y यानी 0 एंड y का वैल्यू क्या है, −13/3। क्लियर, इसका सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।